रास्ता रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। नागरिक सुविधाओं की समस्या के निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस आयोजन किया गया, जहां जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य अधिकारी प्रतिभाग करते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएंगे। वहीं नागरिक सुविधा दिवस के दृष्टिगत जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी सुनवाई करेंगे, जहां उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री इंद्रमणि त्रिपाठी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री पवन गंगवार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि नागरिक सुविधा दिवस में आए हुए सभी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। नवरात्र के सातवें दिन प्रसिद्ध ऐतिहासिक अवंतिका देवी मां के मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ था। हजारों भक्तों मां अवंतिका देवी की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी थी, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आई। अवंतिका देवी महामंदिर के महंत पंडित संत प्रकाश शर्मा ने बताया कि दुर्गा पूजा अर्चना का सातवां दिन है। मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। कालरात्रि देवी की उपासना करने से सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुजारी अवंतिका देवी मंदिर से हूं। यहां पे क्या मान्यता है माता की जो इतने श्रद्धालु? यहां माता की मान्यता का कारण यह है कि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पूजा करके मांगा है माता रानी से, इसीलिए मन्नत करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं दर्शन करने के लिए? काफ़ी तादाद में आ चुके, 20,000 आदमी निकल चुका है। तो 8-9 को कितने? 8-9 को लगभग 50,000 आदमी होगा। खबर औरैया से है, जहां के एनटीपीसी यूनिट ने बिजली उत्पादन का नया तरीका निकाला है। बता दें कि एनटीपीसी ने झील के ऊपर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने का एक नया आयाम रच दिया है। बता दें कि दिव्यापुर थाना क्षेत्र में संचालित एनटीपीसी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक जसवीर सिंह अहलावत ने उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि परिसर में लगे सोलर पैनल को चाइना से मंगवाया गया है, जिसकी क्षमता 495 वाट के उत्पादन की है। वहीं 45 एकड़ के परिक्षेत्र में लगभग 56,000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले पैनल में जमीन में लगाए जाते थे, जिससे वृक्षों को काटकर वातावरण को प्रदूषित करना पड़ता था, लेकिन झील के ऊपर संचालित करने में झील का पानी भी उपयोग में आता रहता है और उसके ऊपर लगे सोलर पैनल से हमें बिजली उत्पादन में भी सहायता मिलती है। ये एनटीपीसी ने मतलब उत्तर प्रदेश में पहली बार बना है ये सोलर प्रोजेक्ट, जो पानी पर बना है। ये 20 मेगावाट का है और ये 2 साल पहले से हमारी बातचीत चल रही थी और ये एलएनटी ने लगाया है। क्या लगता है सर, इसके पहले और भी कहीं लगाया जा चुका है पानी के ऊपर? पानी के ऊपर ये मतलब हमारे केरला में लगा है और आंध्र प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार लगा, फर्स्ट टाइम लगा। खबर औरैया जिले के विकास खंड एरवा कटरा से है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ग्राम पंचायत बढ़िन के प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्धारित बैठक छावनी में तब्दील हो गई। इस दौरान सीओ महेंद्र प्रताप सिंह, थाना अध्यक्ष जीवाराम के अलावा थाने में कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सहायक विकास अधिकारी विमल कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत बढ़िन के प्रधान मुकेश कुमार को 6 महीने के लिए जिलाबदर किया गया था, जिसके चलते उनकी जगह प्रधान पद के दायित्व की 15 सदस्यीय बैठक बुलाई गई। बैठक में 11 सदस्य मौजूद हुए, जिनमें से 9 सदस्यों ने वीर विक्रम सिंह के पक्ष में मतदान किया, जिसके चलते उन्हें प्रधान पद के लिए चयनित किया गया। इसमें श्री मुकेश कुमार प्रधान जिलाबदर हुए 6 महीने के लिए। उनकी जगह पर प्रधान पद के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। उसमें 15 सदस्यीय बैठक थी, जिसमें उपस्थित हुए 11 सदस्य। 11 में 9 सदस्यों ने वीर विक्रम सिंह को मतदान किया। मतदान के बाद वीर विक्रम सिंह के पक्ष में अधिक मतदान होने के कारण
वीर विक्रम सिंह को प्रधान पद के दायित्व को निर्वहन करने के लिए चयनित किया गया। बाराबंकी में शादी समारोह में डीजे पर गाने और डांस को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे 5 लोग घायल हो गए। वहीं दूल्हा अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था से शादी संपन्न कराई और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बंदोसराय थाना क्षेत्र के बरौलिया गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में निमंत्रण से वापस लौट रहे बाइक सवार 4 लोग ट्रक की चपेट में आ गए। बता दें कि मिल एरिया थाना इलाके के राही गांव निवासी चंद्रभान के घर पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें शामिल होने के लिए 3 रिश्तेदार पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चंद्रभान के साथ तीनों रिश्तेदार बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग के डिघिया गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने चारों को रौंद दिया। हादसे में चंद्रभान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने 2 घायलों को मृत घोषित कर दिया और 1 को लखनऊ रेफर कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बुलंदशहर में डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव दौरऊ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर युवक की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता का कहना है कि युवक का गांव का ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी प्रेमिका के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की थी। बता दें, मृतक युवक घर से अचानक कहीं चला गया, जिसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसके घायल होने की सूचना दी, लेकिन मृतक परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ों जिलों में कृषि विकास के लिए भारत के नीति आयोग द्वारा लखनऊ में गन्ना संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बता दें कि बैठक में सभी जनपद के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ITC डायरेक्टर सुधांशु सिंह ने किसानों को उपजाऊ बनाने के कई सारे सुझाव भी दिए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।